आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ सब एकजुट, 5 अप्रैल को 9 मिनट अंधेरा कर दिया या मोमबत्ती जलाएं। तबलीग जमात से जुड़े संक्रमित लोगों की खोज जारी, ग्वालियर में 11 लोगों को आइसोलेट किया गया। खजुराहो में सन्नाटा, लोगों ने ड्यूटी पर तैनात लोगों का तालियां बजाकर किया अभिवादन। आदिवासी इलाकों में भी कोरोना वायरस का खौफ, आदिवासियों ने पत्तों से बनाया मास्क। और लॉकडाउन में सामने आई सेवा की तस्वीर, कहीं पुलिस तो कहीं किन्नरों ने सामान बांटा। स्वागत है आपका, नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा, कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, परंपरा, विश्वास, विचारधारा पर हमला बोला है। हमें इन्हें बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना है। मोदी ने कहा कि 5 अप्रैल को रात 9 बजे घर की सभी लाइट्स बंद करके दीपक, मोमबत्ती या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। 9 मिनट तक ऐसा करना है। यह प्रकाश उजागर करेगा कि कोरोना के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से एकजुट होने की अपील की और कहा, 5 अप्रैल को रात 9 बजे घर की सभी लाइट्स बंद करके दीपक, मोमबत्ती या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। 9 मिनट तक ऐसा करना है। यह प्रकाश उजागर करेगा कि कोरोना के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। मोदी ने कहा, आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया है। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। ये लॉकडाउन का समय जरूर है, हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है। 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है।
130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है, इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। यह हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी। हमारे यहां कहा गया है, उत्साह हो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। यानी हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। ग्वालियर प्रशासन ने तबलीगी जमात में शामिल हुए 11 लोगों को आइसोलेट किया है। गौरतलब है कि तबलीगी जमात में शामिल हुए कई लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद पूरे देश में तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। 23 फरवरी को निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में शामिल हुए 11 लोगों की पहचान करते हुए ग्वालियर प्रशासन ने इनको आइसोलेट कर दिया है, जिनमें 5 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक यह लोग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 23 फरवरी को ग्वालियर पहुंचे थे। उसके बाद जैसे ही प्रशासनिक अफसरों की इनकी जानकारी और सूचना मिली तो 3 दिन पहले इनकी स्क्रीनिंग की गई, लेकिन कोरोना वायरस के किसी में संक्रमण नहीं मिले थे। अब प्रशासन ने एहतियातन एक मैरिज गार्डन में सभी को क्वारंटाइन में रखा है। आपको बता दें, ये लोग ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के आवड़पुरा में रहने वाले हैं। ये अभी जानकारी मिली थी कि 11 लोग दिल्ली से आए हैं, तो उनको अभी हमने उनका स्क्रीनिंग भी करा ली है और उनको क्वारंटाइन में हमने रख दिया है एक जगह धर्मशाला में, और अब हम कल उनके सैंपल करवाएंगे और उसके बाद फिर रिपोर्ट के आधार पर आगे। इसके अलावा कोई जानकारी मिली मरकज में शामिल हुए थे? नहीं, अभी हम वहाँ पे जानकारी पूरी कलेक्ट करा रहे हैं, बट वो दिल्ली से आए हैं ये जानकारी कन्फर्म। लगभग केवल 11 लोग ही थे, इसके अलावा और भी मिल सकते हैं? नहीं, अभी 11 लोगों की ही जानकारी मिली है, 6 महिलाएं 5 पुरुष। एक तरफ देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, वहीं होशंगाबाद में किसानों की फसलों में आग लगने से किसान को भारी नुकसान हुआ है। सिवनी मालवा तहसील में करीब आधा दर्जन गांवों के खेत में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से करीब 100 एकड़ में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। प्रदेश को इन दिनों दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां लगातार कोरोना मरीज के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अब किसानों की बर्बाद होती फसलों ने सरकार के ऊपर नया संकट खड़ा कर दिया है। सिवनी मालवा तहसील के करीब आधा दर्जन गाँव के खेतों में भीषण आग लग गई। आग के चलते खेतों में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि गेहूं की करीब 100 एकड़ से अधिक फसल बर्बाद हो गई है। सिवनी मालवा के अमलाड़ा, डोंगर, बोरट, अयप्पा, मागिया, रेहड़ा गांव के बीच गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश की।
कोरोना वायरस से उपजे संकट से निपटने के लिए आदिवासी अपने ही अंदाज में नजर आए। मास्क की किल्लत से निपटने के लिए आदिवासियों का टैलेंट काम आया। उन्होंने पत्तों से अपना यूज एंड थ्रो मास्क तैयार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल कांकेर जिले में आदिवासियों ने कोरोना वायरस की दहशत और मास्क की किल्लत के बीच अपनी सुरक्षा के लिए देसी उपाय कर लिया है। आदिवासियों ने अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर साल के पत्तों से देसी मास्क बनाया है। जानकारी के मुताबिक आमाबेड़ा इलाके के बर्री टोला गांव के आदिवासियों ने प्राकृतिक उपायों से खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए यह तरीका अपनाया है। आदिवासी परिवारों ने साल पेड़ के पत्तों से मास्क बनाया है और कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलने का संकल्प भी लिया है। अगर ये बाहर निकलते हैं तो अपना बनाया मास्क पहनकर। कोरोना मरीज के संक्रमण को देखते हुए टोटल लॉकडाउन है। इसी के चलते पर्यटन नगरी खजुराहो में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसके बाद प्रशासन लगातार स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की हौसला अफजाई कर रहा है। लोगों ने हौसला बढ़ाने के लिए अपनी छतों से तालियां बजाई। टोटल लॉकडाउन के बीच पर्यटन नगरी खजुराहो को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण सभी नगरवासी अपने अपने घरों में कैद हैं। इस बीच स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने अपने अमले के साथ सेवाग्राम के तिराहों चौराहों और मोहल्लों में जाकर नगरवासियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान स्थानीय लोगों के सहयोग से कविता और गीत गाकर लोगों को संकट की इस घड़ी में जागरूक किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नगर परिषद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के योगदान हेतु उनकी सराहना की गई। लोगों ने अपने अपने घरों तथा छतों से तालियां बजाकर सभी का हौसला बढ़ाया और धन्यवाद किया। यह एक जागरूकता प्रोग्राम हमने खजुराहो राजनगर में चालू कराया है, क्योंकि कर्फ्यू चल रहा है और लोग बहुत दिनों से घर में अंदर बंद हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि वो घर में रहे और घर में रह के ही वो देश सेवा कर सकते हैं। यह एक लाइन है, जिस लाइन में अगर वो लोग आ गए तो इस चपेट में आ जाएंगे, लेकिन घर में बैठे रहे तो इस लाइन में आने की उनकी संभावना बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। मध्य प्रदेश कोरोना संकट से जूझ रहा है, ऐसे में कई जगह से अपनी घटनाएं भी सामने आई हैं। इस बीच एडिटर व्यू में जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेलिया का नजरिया। दोस्तों, आपसे कुछ बात कहना चाह रहा हूं, आपसे कुछ आग्रह करना चाह रहा हूं। दखल के माध्यम से मैं अपना यह संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल आज हम जिस एक विकट संकट से जूझ रहे हैं, कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, उसमें आप सबका साथ और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। भले ही मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही हो, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बहुत सजगता के साथ में कोरोना को नियंत्रित करने की कोशिशें हो रही हैं, केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इस सबके बावजूद भी जब तक समाज खुद अपनी जवाबदारी के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक चीज़ें एकदम परफेक्टली कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। ज़्यादातर लोग, या कहा जाए 99% लोग कोरोना को लेकर लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इससे बेखौफ नजर आ रहे हैं। उनकी जो बेतकल्लुफी है, उनका जो एक अंदाज है, वो हैरान और परेशान करने वाला है। लॉकडाउन तोड़ने की कोशिशें होती हैं, बच्चों को तफरी कराने की कोशिश होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंताजनक बातें तो इंदौर जैसी घटनाओं से आती हैं, जहां पर हेल्थ वर्कर्स के साथ में, पुलिस के साथ में बदमिजाजी और बदतमीजी की जाती है, उन पर हमले किए जाते हैं। ये देवदूत हैं डॉक्टर्स हमारे, और आप आश्चर्य पड़ जाएंगे, आपकी जानकारी में वैसे होगा ही कि हमले के दूसरे दिन फिर वही दोनों लेडी डॉक्टर अपने काम पर मौजूद थी। ऐसे में आप सबका फर्ज बनता है कि लेडी डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को और दूसरे लोगों को साथ में, आप पुलिस के साथ में सहयोग करें, सहकार करें। समय है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ इज अबाउट टू चेंज, नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? Really? डैडी बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। घर हो अपना।
की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 पर हमने कभी ना फिकर की क्योंकि हमने पहले ले ली LIC क्योंकि हमने पहले ले ली LIC स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी बाकी सब बाद में पहले LIC ऋषि ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है फिर तो मेरी लय खतरे में है क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा वेल कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी बाकी सब बाद में फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक चौंकाने वाली खबर है। सागर के कुकराऊ गांव से यहां के लोगों की माने तो गाय ने हिरण के बच्चे को जन्म दिया है। लोग इसे कुदरत का करिश्मा मान रहे हैं और वन अमला इस मामले की जांच में जुटा है। ककरयाऊ में गाय का दूध पीता यह हिरण का बच्चा, इसे देख कर हर कोई हैरानी में पड़ जाता है। ये गाय रोज 3.5 लीटर दूध देती है और अपने इस बच्चे को भी छक्कर दूध पिलाती है। गांव वालों का कहना है कि गाय ने हिरण के बच्चे को जन्म दिया है। अब ये बच्चा भी 1.5 महीने से ज़्यादा का हो गया है और गाय के साथ ही रहता है। वन विभाग को जब इसकी खबर मिली तो 24 मार्च को इस घटना का पंचनामा बना के इसे सत्यापित किया गया है और मामले को जांच में लिया गया। गांव के किसान द्वारका घोषी गाडरवाड़ा से गाय को खरीद कर लाए थे। उस समय बछड़ा गाय के पेट में था। करीब 1.5 माह पूर्व बछड़े के रूप में गाय ने हिरण के बच्चे को जन्म दिया। क्षेत्र में ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। वन अमले ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, हमारी टीम संबंधित किसान के यहाँ पहुंची। वहां पहुंचकर पंचनामा बनाया गया। बच्चा गाय का दूध भी पी रहा था। यह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। इसकी जानकारी ऊपर के अधिकारियों को भेज दी है एवं आने वाले दिनों में डॉक्टरी जांच भी कराई जाएगी। लेकिन इस मामले की जाँच होती उससे पहले ही कोरोना लॉकडाउन के कारण ये काम अधूरा रह गया। किसान का कहना है, उसकी गाय ने हिरण जैसे बच्चे को जन्म दिया है। जी, अपना कौन सा गाँव है? कुकरयाऊ। आपके यहाँ सुना है कि मतलब गाय ने जो है एक हिरण के बच्चे को जन्म दिया है। हाँ जी, तो क्या ये सही है? हाँ, सही है। तो गाय कहाँ से ले आए थे आप? गाडरवारा। अच्छा, तो साथ में था बच्चा की मतलब यही आके हुआ है? अच्छा, वन विभाग को जानकारी दी है? हाँ, वन विभाग को जानकारी हो गई। अच्छा अच्छा, कितने दिन हो गए? 1.5 महीना इसको। हाँ भैया। अच्छा, तो वन विभाग से टीम आई थी है ना? हाँ, टीम कल आई थी, वो आज अभी आई। अच्छा। ग्वालियर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए राज्य शासन के निर्देश पर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 91 बंदियों को रिहा किया गया। इन्हें 60 दिन की आपात पेरोल पर रिहा किया गया है। कोरोना महामारी संकट के चलते आजीवन कारावास की सजा भोग रहे कैदियों को 60 दिन की पेरोल पर रिहा कर दिया गया। इनमें 88 पुरुष और 3 महिलाएं बंदी शामिल हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम को लेकर राज्य शासन सतर्क है। इसी के मद्देनजर आजीवन कारावास की सजा काट रहे 91 बंदियों को रिहा कर दिया गया है। रिहाई से पहले सभी बंदियों का हेल्थ चेकअप किया गया। जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया कि रिहा किए गए सभी बंदी ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं। इनमें से अधिकांश हत्या के अलग अलग मामलों में सजा काट रहे हैं। साहू के मुताबिक लगभग 580 बंदी रिहा किए जाने हैं। रिहा कैदियों को उनके चाल चलन आदि के आधार पर आपात पैरोल के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो जेल में थोड़ी भीड़ भी ज्यादा है, इसलिए एक बंदी छोड़ने का निर्णय लिया है कि कम से कम और 60 दिवस की पैरोल जो आपात पेरोल के रूप में दी जा रही है वो केवल उन्हीं बंदियों को लाभ इसका लाभ मिलेगा जो रेगुलर IG पेरोल जाते हैं, DG साहब द्वारा स्वीकृत पेरोल को में जाते हैं, उन्हीं को इसका लाभ मिल रहा है। और हमारी जेल में जो पेरोल जाते हैं लगभग 579 बंदी हैं, जिसमें से कल 89 बंदियों को हम छोड़ दिया है। और ये डिपेंडेंट तो हम RI द्वारा जो गाड़ी उपलब्ध कराती है उस पर डिपेंडेबल है,
आज देखते हैं आरआई द्वारा कितनी गाड़ियां उपलब्ध कराती हैं, तो आज भी शाम को पता पड़ेगा कि हम कितने अधिक से अधिक बंदी छोड़ रहे हैं। कोरोना महामारी की पल पल खबरों को देने वाले पत्रकारों को सिंगरौली पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने कोरोना से बचने के लिए स्वास्थ्य किट वितरित किए और कोरोना से जुड़ी जानकारी देने के लिए पत्रकारों का धन्यवाद किया। राष्ट्रव्यापी महामारी कोरोना से जारी लड़ाई के दौरान पुलिस प्रशासन का साथ देने वाले पत्रकारों को सिंगरौली पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने स्वास्थ्य किट वितरित करते हुए धन्यवाद दिया। टीके विद्यार्थी ने राष्ट्रव्यापी महामारी कोरोना के प्रति केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए पत्रकार साथियों के सहयोग की प्रशंसा की। इस दौरान CSP देवेश पाठक, TI अरुण पांडे सहित जिले के तमाम पत्रकार और पुलिस अफसर शामिल थे। किट वितरण डॉक्टर चंदेल और डॉक्टर राय के सहयोग से किया गया। इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। समय एक छोटे सा और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो, देवदास नहीं जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है, वहीं सिंगरौली में चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सिंगरौली में पुलिस ने 3 लाख के सामान की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सिंगरौली के पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने चोरी की वारदात का खुलासा किया है, जिसमें एक नाबालिग सहित 4 चोरों ने मिलकर 3 लाख रुपए से अधिक का माल चोरी किया था। इसके साथ ही चोरों ने आधा दर्जन चोरी की वारदातें करना कबूल किया है। गौरतलब है कि चोरों ने 2 TV, 2 लैपटॉप, सोने चांदी के आभूषण सहित 3 लाख से ज्यादा का सामान चोरी करने की बात स्वीकार कर ली है। चोरी का सामान खरीदने वाले अनिल कुमार सोनी पर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लगातार चोरों नकबजनों पर भी निगाह रखे हुए है, हमारी टीम उसके लिए अलग से सक्रिय है और उसी क्रम में हमारे बैढ़न पुलिस को एक चोरों का गिरोह जो पिछले 7-8 महीनों से सक्रिय था उनको पकड़ा गया है। उनसे काफ़ी सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं, लैपटॉप TV बरामद हुआ है और इन्होंने लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा वारदातों को अंजाम दिया था। उनसे पूछताछ की जा रही है और जिस व्यक्ति को ये सामान बेचा करते थे उसके खिलाफ भी 411 IPC के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में किन्नर समाज लोगों की मदद के लिए सामने आ रहा है और लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचा रहा है। कोरोना संक्रमण की इस विपदा के समय सामाजिक लोग आगे आकर गरीबों की मदद करने में लगे हैं। ऐसे में छतरपुर का किन्नर समाज भी आगे आया है। किन्नर समाज के लोग गरीब बस्तियों और जरूरतमंद लोगों को रोजमर्रा का सामान, आटा, चावल, तेल जैसी जरूरी सामानों को लोगों के बीच वितरित कर रहे हैं।
जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से किन्नर लोग इस संकट की घड़ी में गरीबों की मदद के लिए सामने आ गए और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। रोजाना किन्नर समाज के दर्जनों लोग इस तरह से मदद कर रहे हैं। हाँ, कुछ खाने के लिए नहीं आता था, नीति दीदी ने मदद किया है। क्या क्या दिया? हाँ, गेहूँ, नई चावल, दाल, आटा, तेल, चीनी। कब से परेशान थी? आज 6-7 दिन बाद हुए। किस तरीके की हालात हो गए खाने को लेकर? काम धंधे कुछ लग नहीं रहा तो फिर परेशानी हो गई। 15-20 दिन से बहुत परेशान थे और नीतू दीदी ने बहुत मदद की है। 3-4 दिन से वो लोग बांट रहे हैं और हमने भी सुना तो हम भी आए, हमारी भी खूब मदद की है। बस 1 महीने का राशन उनको बांट रहे हैं और क्या बोलते हैं, जो लोग परेशान हैं उनकी जिस तरह से हो सकती है हमसे जो हम जिस लायक हैं उतना हम मदद कर रहे हैं। दाल, चावल, आटा, तेल का शीशी, साबुन है ना, सैनिटाइजर और मास्क भी हमने बांटे हैं है ना, और पूरा 1 महीने का राशन बांटा। सिंगरौली में विंध्य नगर पुलिस ने कोरोना के चलते बेसहारा राहगीरों को भोजन बांटे और सभी को कोरोना से संबंधित जानकारी दी। कोरोना महामारी से अलर्ट रहने के लिए अहम सुझाव भी दिए। कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में सुरक्षा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी जमकर डटे हुए हैं। सिंगरौली में पुलिस ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक कार्य भी कर रही है। पुलिस ने बेसहारा राहगीरों और मजदूरों को भोजन कराया और सभी को इस महामारी के बारे में भी बताया। थाना प्रभारी राघवेंद्र द्विवेदी ने बैगा बस्ती सहित जयंत क्षेत्र में लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि कोरोना संदिग्ध व्यक्ति मिलने पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सूचना दें तथा जिले व प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखें। गौरतलब है कि विंध्यनगर थाना क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, इसीलिए विंध्यनगर पुलिस को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में बड़े बड़े नासमझी कर रहे हैं, वही बच्चे इस संक्रमण से बचने के उपाय बता रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ये है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की जागरूक बालिका बेवो। छोटी बेवो अपने वीडियो से बड़ा संदेश दे रही हैं। यह सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा हाथ कैसे धोएं और कोरोना के संक्रमण से बचने के तरीके बता रही हैं। कोरोना को लेकर बच्चे तक जागरूक हैं, लेकिन कुछ बड़े लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बेबो। मैं कोरोना वायरस से बचने के लिए तरीका बता रही हूँ। पहला तरीका, घर से बाहर मत जाइए, जरूरी होगा तो जाइए पर लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। दूसरा उपाय, सैनिटाइजर से आप हाथ धोइए। आपके पास सैनिटाइजर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास साबुन तो होगा ही, 30 सेकंड तक धोइए। आपको ऐसे में मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, आपको खांसी तब बुखार होगा तब लगाइए। और दूसरा उपाय, आपको तभी आपका तबीयत ठीक नहीं हुआ तो आप डॉक्टर के पास जाइए या 104 में नंबर लगाइए। डियर देव सिंह आपकी इलाज कराएंगे। थैंक यू, नमस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल, दखल आपके हक में। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? रियली? डैडी बने हो? देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियां हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC।
ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।